ठीक इसके बीच में वो जेल है जहां शेरा के वो 25 खूंखार साथी कैद हैं। ये वो कैदी हैं जिनका मजहब तबाही है, जिनकी जबान कत्ल और खून है, जिनके जीने का मकसद है औरों के जीने का हक छीनना। जगह जहां वो शेरा के 25 साथी दूसरे बहुत से कैदियों के साथ काम करने के लिए आते हैं। दरअसल ये 3 ग्रुप में बटे हुए आते हैं। उनमें से एक 25 का जो ग्रुप है वो शेरा के आदमी है। ये वो पहला ग्रुप है जो रोजाना इसी तरह पुलिस की निगरानी में बंदूकों की नोक पर इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाया जाता है। जब तक पहला ग्रुप दूसरे किनारे तक पहुंच नहीं जाता, दूसरा ग्रुप इसी किनारे इंतजार करता है। इसी तरह दूसरे ग्रुप के पुल पार करने के बाद इस तीसरे ग्रुप को लाया जाता है। यह तीसरा ग्रुप शेरा के साथियों का ग्रुप है। काम खत्म होने के बाद इसी तरह अलग अलग ग्रुप में इन कैदियों को इस पुल से वापस ले जाया जाता है। जैसे ही यह तीसरा ग्रुप इस पुल पर से गुजरने के लिए बिल्कुल तैयार होगा, ठीक उसी वक्त के आदमी है, जल्दी करो तुम लोग, चलो जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। कासिम अमर और करण ने हमारे 25 आदमी को आजाद करा लिया। ये हुई ना बात,
अब जरा कानून वालों से पंजा लड़ाने का मजा आएगा। ये सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए डूब मरने की बात है। इतना सख्त पैरा होने के बावजूद तीन अजनबी आए और बड़े आराम से 25 कैदियों को निकाल कर ले गए। शर्म आनी चाहिए। मुझे वो 25 कैदी किसी भी हालत में जेल में वापस चाहिए। अंडरस्टैंड? लगता है वो लोग जंगल की तरफ निकल गए हैं। तुम लोग कुत्तों का इंतजाम करो। साली लड़कियां भी पीछे चल रही हैं, साथ साथ चलती हैं, तो उन्हें देखकर कुछ थकावट तो दूर होती। अरे मर गए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, भूख प्यास से जान निकली जा रही है। अबे ओए, तू आदमी है कि शैतान? अरे पुलिस वाले भी इतने बेरहम नहीं होते रे। अब एक कदम और उठावा तो कलेजा फट के खून निकल आवेगा। बस अब हमसे नहीं चला जाता है। हाँ, नहीं चला जाएगा। किससे नहीं चला जाएगा? बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा हूं। अब किसी ने एक लफ्ज मुंह से निकाला तो जबान खींच लूंगा। हाँ मेरे पीछे। जानवरों की तरह नहीं, इंसानों की तरह खाओ। बैठा।
चाचा, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है चाचा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो चाचा। डरने की क्या बात है बेटी, मैं हूँ ना। मुझे मेरे अब्बा के पास ले चलो चाचा, मुझे मेरे अब्बा के पास ले चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है चाचा। मैं मजबूर हूँ बेटे, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब कुछ नहीं कर सकता। खाना खा लो बेटे, खाना खा लो। चाचा मुझे अकेले में मत छोड़ के जाओ चाचा, बेटे मुझे मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता बेटे, प्लीज चाचा। भाग रहा तो तू बोल, बोल। राम सिंह, जी सरकार, मुझे नहीं मालूम कि बच्चा कैसे ऊपर चला गया, मुझे मेरा यकीन कीजिए सरकार, सरकार मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम सरकार, नहीं मालूम सरकार, मुझे कुछ नहीं मालूम। कासिम, छह कैदी भाग गए, कहाँ गए? अमर, इन कैदियों को किसी भी तरह से ढूंढना होगा, वरना शेरा की शर्त के मुताबिक अगर एक भी कैदी कम हुआ तो शेरा मेरे बच्चे हसन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या कह रहे हो? ऐसा कभी नहीं होगा कासिम, मेरे होते ऐसा कभी नहीं हो सकता। हिम्मत मत हारो अनीता। जी। सुनो, हम छह कैदियों की तलाश में बाहर जा रहे हैं, तुम दोनों होशियार रहना, ये रिवॉल्वर लो, इनमें से एक भी कैदी भागना नहीं चाहिए, समझ गए? क्या कह रहे हो तुम? ये दोनों इन 19 खूंखार कैदियों को कैसे संभालेंगे? हम सब ठीक कर लेंगे, आप लोग जाओ। क्या बेवकूफ की तरह तुम बात, जिद मत करो कासिम, मासूम हसन की जिंदगी हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, तुम्हें खुदा का वास्ता, जाओ जल्दी जाओ। करण, गिव योर रिवॉल्वर टू हर, कम ऑन लेट्स गो। आगे मत बढ़ो, मैं कहती हूँ रुक जाओ,
वरना गोली मार दूंगी। मारो, चलाओ गोली, कितनों को मारोगी? तुम दोनों के पास दो रिवॉल्वर है और एक रिवॉल्वर में सिर्फ 6 गोलियां हैं। मतबल ई हुआ कि तुम सिर्फ 12 आदमी का जख्मी कर सकत हो, बाकी 7 आदमी का क्या करोगी रानी? और फिर बचे हुए 7 खूनखार शेर